हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी और आज मैं आप लोग का शेयर करने वाली हूँ हेयर कलर, जो कि काफ़ी टाइम से डिमांड आ रहा था। तो मैंने ये वाला हेयर कलर लिया, 7.3 गोल्डन ब्लॉन्ड कलर है, बहुत अच्छा कलर है। मैंने काफ़ी टाइम से इस कलर का ही हेयर कलर रखा हुआ है, बट मुझे अभी थोड़ा सा शादी का फंक्शन चल रहा है तो मुझे चेंज के लिए काफ़ी कमेंट आ रहे थे, बट मैं अभी चेंज नहीं कर सकती गाइस, क्या पता कैसा फेस लगेगा, इसलिए मैं अभी तो यही वाला कलर कर ले रही हूँ। 2 से 3 मंथ में चेंज कर लूँगी। मैंने सोचा था ब्लैक कलर करने के लिए, बट क्या पता ब्लैक सूट करे ना करे मेरे चेहरे पे, और शादी है तो कोई रिस्क नहीं ले सकते। ये देखिए कितना ज़्यादा मेरा हेयर वाइट हो रखा है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये वाला हेयर कलर करने वाली हूँ। इसमें दिया हुआ है हमको इस तरीके का कंडीशनर, जो कि आप हेयर वॉश शैम्पू करने के बाद से यूज करोगे। स्ट्रिक्स का कंडीशनर है, स्ट्रिक्स का ही हेयर कलर है, 7.3 ब्लॉन्ड हेयर कलर है। अब इसमें इस तरीके का दिया हुआ है जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, जिस आप इसको पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो। 2 ग्लव्स दिए हुए हैं और ये यहाँ पे दिया हुआ है हमको डेवलपर एंड कलर कॉन्टोर क्रीम। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीत तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला हेयर कलर कैसे करना है। मुझे काफ़ी कमेंट आया था कि मैम ब्लैक हेयर कलर करो, बट मेरा यही वाला हेयर कलर काफ़ी टाइम से है एंड अभी शादी है मेरे घर में, मेरी सिस्टर इन लोग का, और मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा वाइट है, तो मैं डायरेक्ट कहीं ब्लैक करूँ मतलब सूट करे ना करे तो मैं शादी में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए मैं ये वाला हेयर कलर कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम जब भी हेयर कलर करूँगी तो मैं ब्लैक वाला अप्लाई करके आप लोग को दिखा दूँगी कि कैसा लगता है मेरे फेस पर, बट अभी मैं ये वाला हेयर कलर कर रही हूँ तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इस हेयर कलर के साथ मेरे फेस को। एंड जो ये वाइट हेयर है वो देखते हैं स्ट्रिक्स के हेयर कलर से कलर होते हैं या नहीं होते हैं, तो पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ इसमें जो दिया गया है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि किसी तरीके की न्यू वीडियो अपलोड आप लोगों से मिस ना हो, और बहुत ही हेल्पफुल एंड यू आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ें मैं अपनी वीडियोज में बताते रहती हूँ। और इसका कलर जो है वो 7.3 गोल्डन ब्लॉन्ड है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई कैसे करना है, इसके अंदर जो दिया हुआ है वो इस तरीके का एक रैपर दिया हुआ है जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे धोना है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। इसके साथ दिया हुआ है 2 कंसीलर एंड नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है ये स्ट्रिक्स का डेवलपर, इतना सा ही है। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर वाले बालों में अप्लाई करूँगी क्योंकि नीचे का कलर मेरा वैसे का वैसे है। और ये दिया है कलर क्रीम, तो इन दोनों को मिक्स करेंगे। इसमें दिया हुआ है ग्लव्स, तो ग्लव्स को आप पहन सकते हो अपने हाथों में इस तरीके से ताकि आपका जो कलर है वो आपके हाथों में ना लग जाए। तो इस तरीके का 2 ग्लव्स दिया हुआ है इसके अंदर। तो इस तरीके से मैं इसको लगा लिया है मैंने। अब मैंने यहाँ पे लिया है एक बाउल एंड डेवलपर को ओपन कर रहे हैं और ये ओपन ही है, कटोरी के अंदर इसको गिरा ले रहे हैं पूरा इस तरीके से। निकल जा भाई, निकल जा, निकलने लग गया। तो इस तरीके से मैं इसमें सारा कलर को निकाल ले रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है इस तरीके का क्रीम, इसको भी निकालेंगे। पूरा कलर एक साथ ही मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल कलर जो है वो छोटा पैक लिया था मैंने। अच्छे से इसको निकाल लेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से निकाल लिया है, दिख रहा है आपको बाउल में। और नेक्स्ट है ये क्रीम, तो इसको भी निकाल लेंगे। तो पूरा क्रीम मैंने यहाँ पे ले लिया है, अब दोनों को मिक्स करेंगे अच्छे से ग्लव्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने सारा ले लिया है एंड मैं अपना ब्रश वहीं पे छोड़ आई हूँ, मैं यहाँ से टूथब्रश से ही मिक्स कर रही हूँ एंड टूथब्रश से ही अप्लाई करूँगी। ज़्यादा पास से दिखाऊँगी तो गिर जाएगा, ना यहाँ पे स्टैंड है ना कुछ, तो मैं इस तरीके से अपने ट्रोली पे ही यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल को सेट किया हुआ है और ये कलर को मिक्स कर रही हूँ। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है, देखते हैं। 2 दिन के बाद ही इंगेजमेंट है, 22 तारीख को रामनवमी के दिन, तो उसी दिन इंगेजमेंट है। कलर देखते हैं आ जाता है कि नहीं, आ जाना चाहिए, शादी तक तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, बट इंगेजमेंट में भी मेरा लुक खराब ना हो भगवान। तो
तो ये पूरा क्रीम की तरह मैंने मिक्स कर लिया है एंड अप्लाई करेंगे अभी। तो अप्लाई करने के लिए बालों को कर ले रही हूँ ओपन। अगर ग्लव दिया है तो आप ग्लव यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आपके हाथों में लग जाएगा, फिर हाथों में भी कलर आ जाएगा। तो खुद से ही मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि सब लोग शादी की तैयारी में बिजी हैं। यहीं पे ज़्यादा मेरा वाइट हेयर हो गया है। तो पूरे बालों में इसी तरीके से आपको अप्लाई करना है। हेयर कलर अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान दीजिएगा कि ये बहुत हार्ड है, पहले आप इसको चेक कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा लगाते रहती हूँ तो मुझे ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस साइड इस वाले पार्ट के हिसाब से इस साइड में ज़्यादा मेरा वाइट नहीं है और यहाँ पे मेरे थोड़े वाइट दिखते हैं तो वो बिल्कुल बेकार लगते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ हेयर कलर। तरीके से पूरा जितना भी वाइट हेयर उस पर अप्लाई कर लेंगे और इसको 35 मिनट के लिए ऐसे ही बालों में छोड़ना है, 35 मिनट तक के लिए। तो इस तरीके से पूरा अप्लाई कर रही हूँ मैं। तो इसको पूरा लगाने के बाद से आपको 35 मिनट तक वैसे ही छोड़ना है बालों में और फिर शैम्पू के साथ वॉश करके कंडीशनर अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है, आई थिंक ऊपर में भी थोड़े वाइट हेयर है तो जितना क्रीम बचा हुआ है पूरा अच्छे से अप्लाई कर दे रही हूँ। तो अच्छे से लग चुका है। तो मैंने लगा लिया है, अब मैं इसको 35 मिनट के बाद वॉश करके नॉर्मल पानी सॉरी शैम्पू से वॉश करूँगी, फिर ये कंडीशनर अप्लाई करूँगी और उसके बाद वो बाल सूखने के बाद जो नया कलर आएगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी बालों को इस तरीके से मैंने रबड़ बैंड लगा के छोड़ दिया था 35 मिनट के लिए। उसके बाद फिर से मिलते हैं फाइनल रिजल्ट के साथ कि कैसा रिजल्ट आया है, वाइट हेयर कलर करते हैं कि नहीं इस तरीके के कलर्स। तो सब कुछ देखने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। ग्लव्स निकाल देती हूँ क्योंकि अब वॉश करने के बाद फाइनल रिजल्ट ही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वॉश कैसे करना है, 35 मिनट के बाद इसको शैम्पू से आपके पास जो भी अच्छा शैम्पू हो अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर 2 मिनट तक कंडीशनर लगा के बालों में रहने दीजिए, फिर उसको नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिए। और ठंडी का टाइम चल रहा है तो बिल्कुल भी ठंडे पानी से वॉश मत कीजिएगा क्योंकि सिर में दर्द हो सकता है। तो आप नॉर्मल गुनगुना पानी के साथ वॉश कर लीजिएगा और फाइनल रिजल्ट आप लोग के साथ शेयर कर। चलिए तो गाइज मैंने हेयर कलर कर लिया, सिर्फ 5 मिनट मैंने बालों में रखा था क्योंकि फंक्शन कल ही है एंड मैं ज़्यादा देर रखती थी तो ये बहुत ज़्यादा गोल्डन हो जाता जो कि मेरे फेस के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैंने सिर्फ एक बार वॉश किया है शैम्पू से एंड कलर तो बहुत प्यारा आया है, बहुत सिर्फ 5 मिनट रखने पे ही बहुत अच्छा कलर आ गया था। बट जो बात रही वाइट हेयर कलर की, वाइट हेयर को हाइड करने की तो वो बिल्कुल भी हाइड नहीं हुआ, बट कलर ऐसा है जिसके वजह से मैनेज हो जा रहा है। तो मैं वाइट हेयर पे ये सब कलर नहीं जाता है, आप इसको सिर्फ फैशन के लिए या कलर करने के लिए यूज कर सकते हो बट वाइट हेयर आपका इससे कलर नहीं हो पाएगा। तो ये थी आज की फुल डिटेल वीडियो। तो कैसा लगा आपको वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन, आई होप कि पसंद आया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। ये देख सकते हो आप वाइट हेयर बिल्कुल भी कवर नहीं हुआ बट पता नहीं चल रहा है तो
फंक्शन अटेंड करूंगी और बाद में देखते हैं क्या करना है बालों के साथ, अभी तो इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।